हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल से अपडेट के लिए, अपडेट चाहे यूनिवर्सिटी को हो या प्रीवियस ईयर सेमेस्टर्स के क्वेश्चन हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर आने वाला हो, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज अलाटमेंट लेटर आने वाला था 2024 बैच का, जो 2024 बैच एडमिशन लेगा इस अलाटमेंट लेटर के थ्रू, क्योंकि अलाटमेंट लेटर आज आने की संभावना इसलिए नहीं थी क्योंकि आज संडे था। अलाटमेंट लेटर हमको भी नहीं पता था कि आज जो है अलाटमेंट लेटर संडे को ही जारी हो रहा है जो है। हालांकि हमने सुबह वीडियो बनाया था, उतना ज़्यादा हमने गौर नहीं किया इस मुद्दे के ऊपर कि आज संडे भी है। तो अलाटमेंट, हालांकि कॉलेज तो आज नहीं थी ना पोस्टिंग थी, फिर भी जो है थोड़ा सा माइंड कॉन्शियस नहीं था इसके प्रति लेकर कि आज संडे अलाटमेंट लेटर कुछ जो है मामला। तो अलाटमेंट लेटर आज संडे के कारण जारी नहीं हो पाया। अलाटमेंट लेटर आपको कल ही देखने को मिलेगा जो है, क्योंकि आपको पता है मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, सब संडे को बंद ही रहता है। हालांकि ये सब कंट्रोल पूरा प्राइवेट कर रही है, प्राइवेट एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम कंट्रोल करवाई है और सब कुछ वही करवा रही, मतलब किसी एक एजेंसी को दे दिया जाता प्राइवेट को, वही एग्ज़ाम करवाती है, वही अलाटमेंट लेटर, वही काउंसलिंग कराएगी, पूरा जिम्मेदारी टेंडर निकाला जाता है तो टेंडर उनको दे दिया जाता है, तो वही पूरी चीज़ें सब देखती हैं। तो संडे तो ज़्यादा मैटर हमको नहीं लग रहा कर रहा है, क्योंकि किसी कारणवश हो सकता है अलाटमेंट लेटर ना आया हो, कॉलेज वगैरह अलाट या कोई समस्या तो ज़रूर होगी अलाटमेंट लेटर ना आने की वजह जो है, क्योंकि इन्होंने तुरंत काउंसलिंग तो करवा लिया। काउंसलिंग थोड़ा सा भी अगर ये लेट करवाए होते तो हमको लगता कोर्ट में दो चार अपील पड़ ही जाती, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आया हुआ है ये कन्फर्म बात है 4 से 5 नंबर का जरूर इसमें घोटाला हुआ है, 4 से 5 नंबर का जरूर इसमें हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट हमने 158 मिलाया हुआ था और 153 आया, तो मतलब 5 नंबर का खेल तो हुआ इसमें। और इसके ज़िम्मेदार भी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, क्योंकि नीट का मामला चल रहा था ज़्यादा ट्रेंडिंग में, तो इसका मामला रफा दफा भी कर दिया गया जो है। और आपको पता होगा एंसर की भी कुछ गलत थी जो है स्टार्टिंग में जो है, जो उनके आए थे कोड जो है। तो ये सब मामला हमको लगता है कि अब कॉमन हो गया है उत्तर प्रदेश में। हालांकि चीज़ें गलत हो रही हैं स्टूडेंट के लिए, तो बहुत गलत है, क्योंकि आपका सीधा 1 साल लेट हो जाता है। अगर 1 नंबर से अगर आप रुकते हैं तो कम से कम 200 रैंक पीछे चले जाते हैं। तो अलाटमेंट लेटर तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलिंग सही हो रही कि नहीं हो रही है, एडमिशन सही हो रहा कि नहीं हो रहा, पारदर्शिता आपके सामने आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल प्रतीत नहीं होती नज़र आ रही हैं अटल बिहारी में। हालांकि पिछले साल सही हुआ था, उसके पिछले साल भी सही हुआ था, इस साल कुछ ज़्यादा ही मामला इधर उधर हो गया। सीट्स भी बढ़ी नहीं है, सीट्स उतनी है और फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो खेल है जो कि यूनिवर्सिटी क्लियरिफाई नहीं की और सीधा इन्होंने जो है काउंसलिंग स्टार्ट करवा दी है। काउंसलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई, इतने जल्दी काउंसलिंग वगैरह नहीं होती थी ना। अभी तक 2021 एंट्रेंस हुआ, 2022 में एंट्रेंस हुआ, 2023 में एंट्रेंस हुआ, इतना फास्ट काउंसलिंग नहीं होता था ना, इतना फास्ट प्रोसेस होता था जितना फास्ट प्रोसेस ये इस बार किए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो खेल है अंदर से, जो कि ये चीज़ें गलत हैं स्टूडेंट के लिए जो है। अभी आया नहीं है रिजल्ट, इतने जल्दी जारी किए और काउंसलिंग जो है इतने जल्दी स्टार्ट कर दिए। काउंसलिंग स्टार्ट करने के साथ साथ ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस फास्ट कर दिए हैं। हालांकि अगस्त से बैच होना स्टार्ट है, अगस्त से जूनियर आ जाएंगे जो है, अगस्त, हाँ 1 अगस्त से क्लास चलना बता रहे हैं स्टार्ट है, तो 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे पास उतने सब्सक्राइबर वगैरह भी नहीं, 10,000 सब्सक्राइबर, उनमें से 1-2 हज़ार एक्टिव रहते हैं, तो मेल करवाया जाए उतना ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करवाया जाए, कुछ चीज़ें की जाएँ। और आपको पता होगा हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमको चैनल से 1% प्रॉफिट नहीं होता है, वीडियो सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए बना रहे हैं हम। जो वीडियो बना रहे हैं उससे हमको 1% भी, आपको पता होगा हमने कई बार बताया, मोनेटाइजेशन हमने ऑफ कर रखा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, हमारे जब 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर थे, तो हम अपना चैनल मोनेटाइजेशन फ्री कर देंगे, ऐड फ्री कर देंगे, मतलब आपके लिए फ्री में काम होगा हमारे चैनल पे, जो भी वीडियो बनेंगी या कॉलेज से रिलेटेड बनेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड बनेंगी या यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से बनेंगी, तो फ्री में वीडियो अपलोड होगी, मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ होगा। तो लगभग आपका भी 1-2 मिनट बचता होगा ऐड से जो है, तो आपको भी प्रॉफिट तो है ही, ऐड फ्री है चैनल, तो वीडियो को आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक कर ही दिया करिए अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं, ज़रा सा हेल्प हो रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।